अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उस्मान रफ़ी का एचओडी मैथ एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस टस का। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब खैर आफियत से होंगे। मैथ के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3, उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर 7 पार्ट्स हैं, इनके 3-4 हम डिस्कस करेंगे, बाकी आपके लिए होमवर्क में होंगे। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है -1/2 + √3/2 आयोटा होल क्यूब। हम इसको एक सिंपलीफाई करना चाहते हैं, एक सिंपल वैल्यू में लिखना चाहते हैं, तो इसको लेट कर लेते हैं। ये जी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1/2 + √3/2 आयोटा होल क्यूब। 2 इसका एलसीएम, -1 + √3 आयोटा। अब ये होल का क्यूब है, होल के क्यूब के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, a + b होल क्यूब विच इज इक्वल टू a³ + b³ + 3a² b + 3ab² तो इसी तरह ये क्यूब है, 2 का क्यूब जो होगा वो 8 है, उसको सबसे ज़्यादा लिख दिया फ्रैक्शन वाली वैल्यू को, और इसके अंदर वाली वैल्यू का हम क्यूब ओपन कर लेते हैं। -1 का क्यूब + √3 iota होल का क्यूब + 3a² b, ऐसे ही ये फार्मूले के मुताबिक a हमारे पास -1 है और b हमारे पास √3 iota है। तो -1 का स्क्वायर √3 iota + -1 √3 iota² तो ये हमारे पास ये फार्मूला हमने यहाँ पे ऑपरेट किया है। अब नेक्स्ट जी, -1 का क्यूब, क्यूब एक ऑड नंबर है जिसकी वजह से नेगेटिव नंबर की पावर एक ऑड आ जाए तो वो नेगेटिव ही रहेगा -1। और √3 iota³, क्यूब का हम ब्रेक कर लेते हैं 2 हिस्सों में, एक स्क्वायर में और एक इसकी पावर 1 में। तो स्क्वायर और √3 iota + −1 का स्क्वायर जो पॉजिटिव होगा वो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, √3 √3 iota एज इट इज, 3 माइनस का और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से ख़त्म, ये बच जाएगा 3 और आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का 3, ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर था जो यहाँ पर वो होता है -1, तो वो माइनस इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, +3 √3 iota, 3 3 9 iota स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिख देंगे। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर पॉजिटिव, तो -3 √3 iota + 3 √3 iota पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, -1 + 9 8 8 8 से और 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये ही है कि इसके यहाँ पर पॉजिटिव था इससे पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर अब नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब ये है कि जो ए की वैल्यू है वो भी नेगेटिव है, जो बी की वैल्यू है वो भी नेगेटिव ही होगी। 2 एलसीएम और a + b होल के क्यूब का फार्मूला सेम एज इट इज़, जहाँ यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, a की जगह पर -1 है अब और b की जगह पर -3 है आयोटा, -1 का क्यूब + -√3 iota का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर -√3 iota + 3 -1 -√3 iota होल का स्क्वायर। -1 का क्यूब आ जाएगा -1 √3 iota³ हो जाएगा। ये क्यूब एक ऑड नंबर है जिसकी वजह से ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव वैल्यू, √3 iota होल का स्क्वायर और √3 iota, इसको हमने 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया। -1 का स्क्वायर इज अ पॉजिटिव, तो ये माइनस इस प्लस के साथ मिलकर नेगेटिव हो जाएगा, 3√3 iota +-3 √3 iota² -1 + 3√3 iota
-3√3 आयोटा। ये आयोटा स्केयर जो है नेगेटिव था, इस नेगेटिव की वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। -3√3 आयोटा स्केयर की जगह पे -1, +9, 8, 8 8 से कैंसिल, तो आंसर 1 आ जाए। इसके साथ ही इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लिखा है -1/2 -√3/2 आयोटा होल की पावर -1, -1/2 -√3 आयोटा होल की पावर 1। अब अगर देखा जाए इसकी बेस ये वाले और इसकी जो बेस है ये वाली सेम है, तो 9/10 में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि बेस सेम हो तो पावर रूल अप्लाई होता है। बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। -2 + 1 तो ये -1 बन जाएगा। इस -1 को हल करने से पहले हम इन दोनों का एलसीएम करते हैं, जो कि आएगा 2 -√3 आयोटा और होल की पावर नेगेटिव है। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाली वैल्यू ऊपर की तरफ मूव कर देंगे, ऊपर वाली नीचे उल्ट जाएगी। जैसे ही इसको हमने चेंज किया तो देखा कि फ्रैक्शन में तो अयोटा आ रहा है, और अगर फ्रैक्शन में अयोटा आएगा तो हमें इसका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, -1 + ये नेगेटिव था इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव, √3 अयोटा -1 + √3 अयोटा, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे एज इट इज़। इसको मल्टीपल की फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, 2 × -1 + √3 आयोटा, 1 - 1 का स्केयर 1 -3 आयोटा स्केयर, जो कि -1 के इक्वल है। इस -1 को ये पॉजिटिव कर देगा, 2 2 = 4 2, 2 को दोनों के नीचे लादा लादा सेपरेट कर देंगे। नंबर 4, a + b आयोटा होल का स्क्वायर। a + b एटा होल का स्क्वायर का बस फार्मूला हम ओपन करेंगे, a का स्क्वायर + b एटा का स्क्वायर + 2 ab ही एटा, लेकिन यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर की जगह पर ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर + 2 ab आयोटा। इसी तरह इसके बाकी क्वेश्चन भी हैं, इंशाल्लाह अगर आप इसकी कोशिश करेंगे तो ये आप इजीली इसको प्रैक्टिस करने से आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का 1.3 भी ख़त्म हुई और ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। इसके लिए हम इसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने अभी तक क्या कुछ डिस्कस किया है। नंबर 1, रियल नंबर थे, नंबर सिस्टम था, जिसके बारे में हमने देखा कि नंबर सिस्टम क्या है और नंबर कहाँ से कैसे इंट्रोड्यूस हुए। फिर नंबरों को डिस्कस करते हुए बीच में कुछ ऐसे नंबर आ गए, रियल नंबर्स को डिस्कस करते हुए, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या थे? रैशनल नंबर वो थे जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, हम उनको रैशनल नंबर फॉर्म कहते हैं। और इरेशनल नंबर वो जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। अब इसमें था कि रैशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, तो इसको ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस करने के लिए फिर इसके अंदर टाइप्स आ जाती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिक्योरिंग डेसिमल। वो डेसिमल विच आर टर्मिनेट इन डेसिमल पार्ट, तो डेसिमल पार्ट के अंदर अगर ये टर्मिनेट हो जाए तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं, और जो टर्मिनेट ना हो चलता जाए तो हम उसको इरेशनल कहेंगे। लेकिन अगर वो चलता जाए तो उसके अंदर एक और ऑप्शन आ जाती है, क्या वो रिक्योर तो नहीं हो रहा? अगर तो वो रिक्योर हो रहा, रिपीट हो रहा, पीरियडिक वैल्यू आ रही है, तो फिर हम उसको कहेंगे रैशनल। अगर वो रिक्योर भी नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे तो फिर हम उनको इरेशनल नंबर कहेंगे। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया रियल नंबर की। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए हमने दो ऑपरेशन को मद्देनज़र रखा, एक प्लस का एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। इन्हीं के ऊपर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, इसके अंदर ही ये सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा और ये डिवीजन भी आ जाएगा।
उनके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी थी जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, नंबर टू एसोसिएटिव, नंबर थ्री आइडेंटिटी, नंबर फोर इनवर्स, नंबर फाइव कॉमोटेटिव। इन प्रॉपर्टीज़ को, ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ थी। फिर हमने इन इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमारे पास नंबर आ गए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए थे। इन कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ए नंबर विच कैन बी पुट इन द पी ओवर क्यू फॉर्म। हर वो नंबर जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। और इन कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आने की वजह से ही इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर से इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको हमने आयोटा का कहा। फिर इन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ ऑपरेशन को डिस्कस किया, जिसके अंदर सबसे पहले हमने प्लस करना सीखा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करना सीखी, फिर डिवीजन कैसे करेंगे, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना सीखा कि दो नंबरों को, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, उनका कॉन्जुगेट कैसे करते हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है 1.2 के अंदर। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एज आर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, तो उनको एक आर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा गया, ऐसे ए और बी। फिर इससे ए और बी में लिखने के बाद हमने इनका मल्टीप्लिकेट इनवर्स फाइंड करना सीखा। मल्टीप्लिकेट इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? ए ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इन चीज़ों को डिस्कस किया। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी, ऑपरेशन थे, उनको डिस्कस किया। वो थ्योरम थे जो हमारे पास, कि जी मॉडुलस माइनस जी मॉडुलस, जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस माइनस जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, वो सारा सेम है। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमारे पास रियल लाइन आ गई थी, रियल प्लेन आ गया। रियल लाइन के अंदर हमारे पास रियल प्लेन था और कोऑर्डिनेट प्लेन था। रियल प्लेन ऐसे हमने इसको परपेंडिकुलर कट किया और इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया। वाई को हम इमेजिनरी कहेंगे और जो एक्स एक्सिस है उसको हम रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते थे। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन थी, जिसके अंदर हमने इसको कहते थे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। पोलर फॉर्म ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर का थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो फिर हमने आर्गुमेंट ऑफ जी फाइंड किया, डी मार्गन लॉ को डिस्कस किया। फिर फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स प्लस योटा वाई होल की पावर। किसी भी की पावर आती थी, हम जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन, हम पावर 3 आ रही थी, -2 आ रही थी, ऐसी इन चीज़ों को डिस्कस किया था। तो इस चैप्टर के अंदर ये सब कुछ है। अगर आप इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है और आपके माइंड में है, तो फिर इंशाल्लाह आपके ये चैप्टर नंबर 1 की तैयारी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।